वन वेलकम टू सुमेध ट्यूटोरियल आज की जो टॉपिक है रीजन ऑफ दी रूट तो पार्ट वन में आपने देखा प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट टेप्रो सिस्टम सिस्टम एंड एडवेंटिटियस रूट फंक्शन ऑफ दी रूट तो ये सारी पॉइंट कवर हो चुकी है आज की जो टॉपिक है रीजन ऑफ रूट तो मेनली थ्री रीजन होती है रूट की फर्स्ट रीजन ऑफ मिसमेटिक जोन रीजन ऑफ एलोंगेशन रीजन ऑफ मैचुरेशन स्टार्ट करते हैं दी रूट इज कवर एट दी एपेक्स बाई थेम्बल एक्स्ट्रक्चर कॉर दी रूट कैप जो रूट होती है वो कवर होती है रूट कैप से ये रूट कैप क्या करती है रूट को प्रोटेक्ट करती है नेक्स्ट पॉइंट इट प्रोटेक्ट दी टेंडर इफेक्ट्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सोइल ये जो रूट कैप होती है वो क्या करती है रूट को हेल्प करती है रूट जब ग्रो करती हैं सोइल में जब ग्रो करती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सोइल में तो क्या करती हैं प्रोटेक्शन करती है ये रूट कैप प्रोटेक्शन करती है रूट की जो रूट एपैक्स होती है वो क्या होती है सॉफ्ट होती है जिसकी वजह से क्या होती है ये रूट कैप उसकी प्रोटेक्शन करती है जब रूट क्या करती है सोयल को पेनिट्रेट करती है तो ये रूट कैप की वजह से उसे प्रोटेक्शन मिलती है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फ्यू मिलीमीटर अब द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी इस जो रूट कैप के थोड़े से ऊपर फ्यू मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी होती है रीजन ऑफ मेस्टमैटिक जोन होती है इनमें क्या होती है नेक्स्ट पॉइंट द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थीम वॉल एंड विच डेंस प्रोटोप्लाज रीजन ऑफ मेस्टमैटिक जोन में क्या होती है जो सेल होती है वो वेरी स्मॉल होती है एंड थीम वॉल होती है पतली वॉल होती है डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट एंड ये क्या करते हैं दे डिवाइड रेपिटिटली ये जो सेल होते हैं रीजन ऑफ मेस्टेमैटिक जोन में जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं रेपिटिटली बार-बार डिवाइड करते हैं एंड द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ तो ये जो रीज़न होती है रीज़न ऑफ मैस्टमैटिक जोन रीजन ऑफ़ मैस्टमैटिक जोन से थोड़े ऊपर रीजन ऑफ एलोंगेशन जोन होती है इनमें क्या होती है रीजन ऑफ एलॉन्गेशन में जो रूट होती है रूट अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करती हैं अपने लेंथ को इंक्रीज़ कैसे करती हैं जो सेल होती हैं रीजन ऑफ़ एलॉन्गेशन जोन में के पास जो होती सेल होती हैं सेल मल्टीप्लाई करती हैं सेल अपने आप को इंक्रीज करती हैं अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं जिसकी वजह से क्या होती है रीजन ऑफ एलोंगेशन में रूट इंक्रीज करती है एंड रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है उनमें ग्रोथ होती है इसलिए इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन जोन ओके नेक्स्ट पॉइंट द सेल ऑफ दलोंगेशन जोन ग्रेजुअल ग्रेजुअली डिफरेंट एंड मैच्योर हेंस दिस जोन प्रॉक्सिम टू रीजन ऑफ एलों कहें तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन होती है रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन में क्या होती है आप देख रहे हो कि ये रूट है रूट हेयर है रूट हेयर ग्रो करती है रूट हेयर अपने आप को क्या करती है इंक्रीज करती है उनमें ग्रोथ होती है जिसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं रूट हेयर जो कि रीज़न ऑफ मेचूरेशन में डेवलप होती है ओके okay? एंड ये क्या करती है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्बेशन में हेल्प करती है इस रूट हेयर की वजह से क्या होती है वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है तो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि जो रूट की जो मेन फंक्शन क्या होती है वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं एंड वो क्या करते हैं फूड रिजर्व फूड फूड को स्टोर करते हैं ओके okay, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दिस सोयल। तो मैंने आपको बताया कि जो रूट हेयर होती है वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्बशन में हेल्प करती है तो गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी तो रीज़न ऑफ़ मेस्टमैटिक एक्टिविटी में क्या होती है रीज़न ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी में जो सेल होती है वो रेपिटि डिवाइड होती हैं अपने आप को बार बार डिवाइड करती हैं एंड स्मॉल सेल होती हैं वेरी स्मॉल सेल होती हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं रीज़न ऑफ मेस्टमेटिक एक्टिविटी जोन जो है ओके एंड रीज़न ऑफ एलॉन्गेशन में क्या होती है जो सेल होती है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं एंड जो रूट होती हैं वो क्या होती है अपने लेंथ को इंक्रीज करते हैं ग्रो करते हैं रीजन ऑफ़ एलॉन्गेशन रीज़न में एंड रीज़न ऑफ़ मैच्योरेशन में जो सेल होती है वो मैच्योर हो जाती है जो रूट होती है वो मैच्योर हो जाती है एंड डिफ्रेंटिएट एंड मैच्योर हो जाती हैं एंड इसी रीज़न में क्या होती है रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है एंड ये रूट हेयर क्या करती है वाटर एंड मिनरल की absorption में हेल्प करती है तो आई होप गाइस आपको अच्छे अच्छे से से ये टॉपिक समझ में आ गई होगी तो अगर आप चाहते हैं इलेवेंथ ट्वेल्थ एंड बी एस सी लेवल की वीडियो लेक्चर एंड टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो मोटिवेशनल वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का क्लिक करें लाइक करें शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग